फिर उस वास में बहुत कंट्रोवर्सी बोलते लोग कि तुम लोग दुश्मन हो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको लगता है कि हम दोनों में झगड़ा है। तो मैं हर कंपटीशन जीतता था लेकिन मुझे पूना श्री कभी नहीं मिला, क्योंकि जो पॉलिटिक्स चलता रहता है कि तू मेरे जिम का नहीं है, तो मेरी फेडरेशन का नहीं, फेडरेशन का नहीं है। देन 19-20 ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा फर्क है, 19-20 रहेगा ना तो पार्शलिटी तो होती रहती है। तो हमने ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, मैं कंप्लेन भी नहीं कर रहा। हम लोग कुछ जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जिन्हें प्रोफेशनली कुछ करना है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ती है। वैसे नहीं कि मेडिसिन ही रहेगा, रॉइड्स ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक स्पॉन्सरशिप के लिए किसी के पास गया नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसा कभी, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि मैं सिर्फ गरीब हूँ, गरीब हूँ करके स्पॉन्सरशिप दो, आप खुद की इमेज खराब कर रहे हो। सारे आपको इम्यूलेट करते हैं, सारे आपको कॉपी करते हैं, कॉपी करने का मतलब इन अ गुड वे यार, ठीक है यार कि इफ संग्राम कैन डू दिस आई कैन डू दिस, यू आर अ रोल मॉडल। बॉडी बिल्डिंग में कैसे भाई एकदम, मतलब अब आप अलग ही नाम हो चुका है, तो बॉडी बिल्डिंग में कैसे जब आपको रियलाइज हुआ? डैड को इंटरेस्ट था बहुत, अच्छा मैं बॉडी बिल्डर बनूँ, फादर को तो उनको पहले लगता था कि रेसलर बनूँ, रेसलर तो बन नहीं सका, तो बोले कि जिम तो ज्वाइन कर, तो हमारे भी जिम नहीं था, तो मैं 3-4 किलोमीटर वॉक करके जाता था, एक्सरसाइज करने के लिए किधर भी जाता था, फिर वो बॉडी बिल्डिंग हो, कुश्ती हो, स्पोर्ट्स हो, वो इंटरेस्ट था। लेकिन फिर क्या हो गया, 1999 में मैंने एक जिम ज्वाइन किया कोल्हापुर में, ऐसे ही कि जो वहाँ पे बॉडी बिल्डर उनको देखने के लिए। तो 4 दिन के बाद वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने मुझे बोला कि उनका नाम था बिपिन पाटिल सर, ही इज़ फर्स्ट मिस्टर इंडिया, 83 में हो गए थे महाराष्ट्र के। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तेरा बॉडी अच्छा है तो पार्टिसिपेट कर रहे। तो 1999 अक्टूबर में मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में। कितने दिन जिम करा आपने भाई? 4 दिन। 4 दिन में पार्टिसिपेट सीधा उसमें? यस, लेकिन ग्राउंड वर्कआउट करता था ना मैं, अच्छा बॉडी अच्छा था करके सर ने मुझे बोला कि कर, ट्राई करके देख लो, तो उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं था बॉडी, करेक्ट। तो किया पार्टिसिपेट, देन 5 लड़के थे उसमें, मुझे 4th प्लेस मिला, तो थोड़ा अच्छा लगा। एक दिन पहले मुझे पोजिंग सिखाया था, देन कंटिन्यू करते गया, इंजीनियरिंग करता था, इंजीनियरिंग में था, डिप्लोमा किया था, कर रहा था मैं उस टाइम पे, तो सीरियस नहीं था, तो वैसे एक्सरसाइज करता था, बॉडी डेवलप होती थी, कंपटीशन के लिए जाता था। तो 3rd-4th नंबर बैठने लगा मेरा, जनरली स्ट्रांग थे वहाँ पे, जो आजकल चल रहा है शॉर्टकट वैसा कुछ नहीं था, आपको मेहनत करनी है, करनी है मतलब 500 जोर लगाने, तो लगाने तो उसमें इतनी कैलरी बर्न होती थी, मसल का डेफिनेशन अपने आप ही आता था। तो आजकल जो कार्ब लोडिंग है, एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना है, हाई प्रोटीन लो कार्ब कुछ नहीं था, जो भी सामने आ जाएगा ना खा लो, पेल दो, पेट भर के खाना है और पेट भर के एक्सरसाइज करना है, यही था। तो ये करते करते 2001 में मैं पुणे में आ गया, तो दो साल मैंने कोल्हापुर में कंपटीशन किया, लेकिन 3rd-4th के ऊपर कभी आया नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं था किसी को, कंपटीशन भी होते थे लेकिन प्राइस भी था 300-400 रुपये, अच्छा प्राइस मनी, प्राइस मनी। तो मैंने 50 रुपये तक का प्राइस भी लिया, 50 रुपीज़, टाइटल रहता था 1100 रुपये, अच्छा। लेकिन टाइटल वहाँ पे इंटरेस्ट क्या था कि मेडल मिलना चाहिए, ट्रॉफी मिलना चाहिए बस। तो 2001 में मैं पुणे में आ गए बीई के लिए, मैंने एयरोनॉटिकल ज्वाइन किया, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। देन उसके बाद फिर मुझे पता चला कि जिम क्या होती है, पुणे में आने के बाद पुणे में आया था। देन यहाँ के भी जो पुणे के लड़के थे, पुणे के, वो मुझे बोलते थे कि मतलब मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक्सरसाइज करते थे, मैं करता था, लेकिन मेरे बॉडी में डेवलपमेंट ज़्यादा होती थी। क्या कर रहा है संग्राम ऐसा? मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन उनको लगता था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सीनियर थे तो उनको पूछता था कि दादा मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मुझे थोड़ा बॉडी करना है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगता था कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, लेकिन उनसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये करते करते मैंने 4 साल वेस्ट किए, मुझे क्रिएटिन क्या मालूम नहीं था, प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या मालूम नहीं था, जस्ट अंडे खाता था। तो वहाँ पे पता चला कि अंडे ज़्यादा खाने से मसल बनते हैं, तो मैं 30-35 अंडे खाने का 2001 से 2003 तक, 35 अंडे, 30-35 अंडे, चिकन वगैरह नहीं खाता। तो अंडे स्टार्ट किए, 35 तक गया। 2005 में क्या हो गया कि थोड़ा सा फिर मैंने पढ़ाई चालू कराई कि क्या करना चाहिए, बॉडी कैसी बनती है, बॉडी की नीड क्या है, क्योंकि गुरु अब तक कोई कोच नहीं है मेरा। तो 2005 तक सेकेंड थर्ड आने लगा। तो 2006 में मुझे एक टीचर अच्छे मिल गए, मिस्टर आमिर खान, तो ही इज़ माई फर्स्ट टीचर एंड लास्ट टीचर।
उसके बाद मुझे टीचर मिला नहीं। आमिर खान दी एक्टर? आमिर खान तो नहीं 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 आमिर खान एक्टर नहीं। आमिर खान अंकल, उनको अंकल बोलता हूँ मैं। सो ही इज़ लाइक ही इज़ वेरी जीनियस मैन एंड बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। उन्होंने मुझे क्या सिखाया कि खाना क्या खाना है, जो हमें मालूम नहीं था। क्या खाना चाहिए भाई आपके? देखिए जो जैसे अभी चल रहा है कि हाई प्रोटीन खाना है, लो कार्ब खाने, तो एक है तो उनने मुझे सिखाया। लेकिन उसके बाद सैलड खाना हमें मालूम नहीं था। सैलड मतलब हम लोग शौक के लिए खाते थे, ककड़ी काट के खाना है, फाइबर खीरा खाना है, वो मालूम नहीं था फाइबर है कि क्या है। लेकिन सब लोग खाते हैं तो रायता बना के खाते, तो हम लोग भी खाना है करके खाते थे, हमें मालूम नहीं था कि इसमें फाइबर है। फ़ायदा क्या है ये, क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं मालूम था। तो वो स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि खाना कैसे खाना है, विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है। तो 2006 में 6 महीने में मैंने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया था, मेरा अराउंड 12 kg मसल में गेन हो गया था। प्योर मसल में नहीं, लेकिन विदाउट फैट मेरा बॉडी बन गया था। और 2006 में मैंने पहला टाइटल भी ले लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ उतना नॉलेज। सो 99 से जब आपने शुरू किया 5 लोगों के साथ चौथी पोजीशन पे, सो 2006 में आप प्रो मतलब पूरा नॉलेज के साथ पूना स्टेट का मैं फर्स्ट बॉडी बिल्डर बना, मतलब आई गॉट द टाइटल, फर्स्ट टाइटल, द ग्रेट मराठा सीरी टाइटल, वेरी नाइस टाइटल, द ग्रेट मराठा सीरी। तो वो टाइटल मारने के बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया 2006 से, मेरा बिगिनिंग हो गया। तो वहाँ का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन था पुणे श्री, मिस्टर पुणे। तो मैं हर कॉम्पिटिशन जीतता था, लेकिन मुझे पूना श्री कभी नहीं मिला, क्योंकि जो पॉलिटिक्स चलता रहता है कि तू मेरे जिम का नहीं है, तो मेरी फेडरेशन का नहीं, फेडरेशन का नहीं है। देन 19-20 ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा फर्क है, 19-20 रहेगा ना तो पार्शलिटी तो होती रहती है। तो हमने ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, मैं कंप्लेन भी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि 19-20 में रहता था हमेशा, लेकिन वो टाइटल मुझे नहीं मिलता था। 3 साल, 6 में नहीं मिला, 7 में नहीं मिला, 5 में नहीं मिला। तो 2008 में मैंने और मेहनत की। कौन ले जाता था भाई वो टाइटल आपका कंपेटिटर? हर साल अलग बंदा। सो 2008 में मैंने पूना श्री के लिए प्रिपरेशन किया, सिर्फ पूना श्री। मेरा टारगेट बाकी कुछ नहीं था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरा टाइटल था, क्योंकि मैंने सब टाइटल जीते थे, लेकिन जो मेरे सिटी का टाइटल है वही मेरे पास नहीं था। क्योंकि वो टारगेट क्यों करना था, अगर वो कॉम्पिटिशन कोई जीतता है तो उस टाइम पर वेंकीज स्पॉन्सरशिप देता था 1 साल के लिए, जिस साल पुणे श्री जीतेगा उस साल उसको स्पॉन्सरशिप। तो भाई स्पॉन्सरशिप में क्या मिलता क्या है लड़कों को, क्या भाई प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब क्या मतलब? देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अभी मे बी आपको ट्रैवल, पैसा कोई देता नहीं आजकल, लेकिन पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या चाहिए कि आपको जो चाहिए अगर वो मिलता है तो पैसे की क्या ज़रूरत है? आपको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, आपको डाइट का जो भी रहेगा वो करना चाहिए, और वो सब चीज़ें आपकी कंप्लीट होती है, ट्रैवल के खर्चे निकल, ट्रैवल का निकलना चाहिए, देन आपको प्राइस मनी आपका सेव हो जाएगा ना, बाकी सब चीज़ें आप बचा सकते हो। तो लेकिन आजकल क्या सबको लगता है कि जैसे मुझे इंडिया में जैसे मैंने जिम खोले हैं वो सब किया, तो सबको लगता है कि मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप मुझे है इंडिया में, लेकिन अब तक मुझे एक भी आदमी ने स्पॉन्सर नहीं किया। अगर मैं किसी को बोलने जाऊँगा तो बिलीव नहीं करता कोई। नहीं भाई एक मिनट, तो पहले एक मिनट बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की भी बात करते हैं। आप तो आपने 2008 में वो टाइटल मारा वो पुणे वाला, पुणे श्री जीते आप, फिर अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। तो भाई स्पॉन्सरशिप को लेके इतने लड़के बेचैन रहते हैं, मैंने देखा बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर का खाब होता है कि यार कोई स्पॉन्सर करते हैं, मुझे तो स्पॉन्सर इसलिए हो जाए क्योंकि उसके खर्चे निकल जाए, जैसे आपने बोला। नहीं एक्चुअली क्या कर रहे हैं वो लोग कि एक्सक्यूजेस निकल रहे हैं कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा, अगर आप एक लेवल तक जाते हो उसके बाद आपको कोई स्पॉन्सर करेगा। लेकिन आजकल के बंदे क्या कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, देन मुझे स्पॉन्सर मी, देन मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा। सो नोबडी विल स्पॉन्सर यू, मेरे को आप स्पॉन्सर करो, मेरे पास पैसे आएंगे, सप्लीमेंट आएंगे, तब मैं जीत जाऊंगा। हाँ तो इम्पॉसिबल, कोई नहीं, कोई करने, आपको प्रूव करना पड़ेगा आपको, देन आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो मैंने आज तक स्पॉन्सरशिप के लिए किसी के पास गया नहीं मैं, क्योंकि मैं ऐसा कभी, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि मैं सर गरीब हूँ, गरीब हूँ करके स्पॉन्सरशिप दो, आप खुद की इमेज खराब कर रहे हो, इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हो आप गरीब बॉडी बिल्डर गरीब हैं करके पैसा दो, नहीं ये कुछ मतलब ये मांगने की चीज़ नहीं है ना। स्पॉन्सरशिप आपको आनी चाहिए, जैसे ओलंपिक में क्या हो रहा है कि अगर आप जीत के आते हो, जीतने से पहले कोई नहीं स्पॉन्सर करता, आपने देखा रहेगा, बिल्कुल जीत के आओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है। ये तो वही बात होगी ना भाई कि अगर विराट कोहली कहता है कि यार मैं विराट कोहली बन के दिखाऊंगा आपको, मेरे को आप स्पॉन्सर करो, आप मेरे को बल्ला चाहिए, मुझे इतना महीने का पैसा चाहिए, फिर देखो मैं इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा के लाऊंगा। दिस ये सब हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक तो क्या है कि आजकल इतने सारे एथलीट्स आ रहे हैं, तो अगर आप कुछ बोलते हैं ना तो आपको रिप्लेस करने वाला दूसरा आता है, और फिर आप खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो मैंने आज तक स्पॉन्सरशिप मतलब क्या स्पॉन्सरशिप नहीं मांगा किसी, लेकिन मैंने क्या किया कि देखिए मैं मिस्टर इंडिया बन गया, तो उसके बाद वेंकीज का मुझे ऑफर आ गया, तो मैंने क्या बोला कि मुझे आप स्पॉन्सर मत करो, लेट मी
take as your ambassador. So I will promote your things, I will promote your company, and I will take my fees. So that was my way to earn the money. अगर आप फ्री में स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगा तो आप क्या फीस मतलब कि आप उनके जितने प्रोडक्ट्स बेचोगे उसमें से जो कमीशन नहीं नहीं जैसे कि अगर आप सलमान खान को देखिए सलमान खान क्या करता है कि सलमान खान प्रमोट करता है उनकी चीज़ें तो अगर मेरे जितने फैन फॉलोइंग रहेगा अगर मुझे कोई फॉलो करता है तो वो बंदे मुझे फॉलो करेंगे तो मैं क्या करूँ मैं बताऊँगा कि ये प्रोटीन अच्छा है तो उनमें से हर ब्रांड का हर चीज़ अच्छा नहीं रहता है लेकिन मेरा काम क्या है कि इसमें से अच्छा कौन सा है बताना अगर वो मैं प्रमोट करूँगा कंपनी की तरफ से तो एम्बेसडर्स के मॉडल्स क्यों लेते हैं इसलिए लेते हैं ना कि हमारा ब्रांड आप प्रमोट करो तो उसके रिटर्न में मैं फी लेता हूँ अच्छा आज तक भी ऐसे ही कर रहा हूँ मैं सबको लगता है कि जराई से मुझे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही है बिल्कुल नहीं राजेश सर जो है इस ही इज़ लाइक माई बिग ब्रदर लाइक उसको आप बोल सकते हो कि गॉडफादर भी मेरे उनने कभी मुझे पैसे से हेल्प नहीं किया उनने मुझे मोटिवेट कैसे किया कि संग्राम मेरा इक्विपमेंट का कंपनी है तू मुझे प्रमोट कर मैं तुझे हेल्प करता जाऊँगा एक कुछ म्यूचुअली बात हो गई थी ऐसी मतलब करता जाऊँगा ऐसा नहीं हुआ मैंने उनके मशीन पे एक्सरसाइज किया क्योंकि वो मेरे जिम में आए थे जब उनने मेरा जिम देखा तो मेरे पास मैक्सिमम वेट था 20 किलो वो भी एडजस्ट करके जब 2010 में मैं मिस्टर इंडिया जीता था उसके बाद मेरे पास आए थे जीतने से पहले सॉरी तो देखता तो महाराष्ट्र में मैं रनर अप हो गया था तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी थोड़ी 2010 में तो मेरे पास आ गए थे फर्स्ट टाइम राजस्थान तो मुझे बोला कि तेरा जिम देखना है मुझे चल तो आ गए बॉम्बे से आ गए तो जिम में गया मैं कॉरपोरेशन की जिम चलाता था कि सोर्स इनकम सोर्स के लिए तो जिम देखा तो डंबल वगैरह मैं एडजस्ट करके बुक मारता था मेरे पास वो एक ही मल्टी स्टेज जो पुराना एकदम जो कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट का जो रहता है वो जिम में चलाता था तो देखा तो उनको मतलब बिलीव नहीं किया उन्होंने कि इस जिम में तो क्या हाँ मतलब यही जिम है मेरा और वर्कआउट के लिए क्या लगता है डंबल चाहिए बारबेल चाहिए बेंचेस है मेरे पास और मशीन कितने चाहिए आपको लैट पुल डाउन चाहिए क्योंकि बैट्स के डेवलपमेंट लेग्स के लिए एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिए लेग कल इंपॉर्टेंट है बाकी सब तो प्री वर्कआउट करते हैं ना तो कैसे जैसे नए जिम आते जाएंगे आप थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे क्या बोला राजेश जी ने तो क्या बोला राजेश जी कि मैं इक्विपमेंट लगा के देता हूं तुम्हें यहां बोले कि मैं मिस्टर इंडिया मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था मिस्टर महाराष्ट्र के बाद और एक महीने में मिस्टर इंडिया था तो सर बोले कि तू मिस्टर इंडिया लड़ेगा बोला मैं नहीं लड़ेगा क्योंकि टाइटल प्राइस था 2 लाख रुपये और मुझे मिले थे सिर्फ 10,000 तो मैं टारगेट बना के गया था कि अगर अभी भी आप यूट्यूब पे चेक करोगे 2010 का मिस्टर महाराष्ट्र तो आई वाज इन वेरी गुड कंडीशन लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया कि मुझे प्राइस मिला नहीं तो मैं बोला कि अब छोड़ना है बॉडी बिल्डिंग क्योंकि 20 दिन के बाद वो डेट भी मुझे मालूम है 19 मार्च को था 2010 में महाराष्ट्र बॉम्बे में इसमें हो गया था शिवाजी पार्क में और उसके बाद 11 अप्रैल को मिस्टर इंडिया था गोवा में तो 20 दिन में जो बंदा मुझे ये भी बीट करता है महाराष्ट्र का बंदा उसी ने मुझे बीट किया था बोला ऑब्वियसली कि 20 दिन में वही जीतेगा सुहास काम कर यहाँ सुहास नहीं जीता था तो अगर उस टाइम पे उसने जीता तो 20 दिन में ऑब्वियसली उसी को मिलेगा ना कि लास्ट टाइटल उसका था बिल्कुल तो कंडीशन 19-20 थी लेकिन वो भी प्रिपेयर वो इतना ही करेगा ना जितना हमने कहा 19-20 का तो मैं तो फिर 19 हमेशा उतना ही रहता है हर एक को लगता है कि जैसे कि मेरा सुहास में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी बोलते लोग कि तुम लोग दुश्मन ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है सबको लगता है कि हम दोनों में झगड़ा है कंपेटिटर तो कंपेटिटर होते हैं ना भाई कंपेटिटर अगर नहीं रहेगा तो आप बढ़ोगे कैसे आगे कैसे बढ़ोगे मैंने संग्राम भाई से पूछा मैंने कहा संग्राम भाई कम से कम 5-6 हज़ार तो बोलेंगे मुझे कहते मेरी कैलोरीज 2500 है दिन की 2500 to 3000 कैसे मतलब भाई कैसे मेंटेन कैसे करते हुए देखिए कैसा है कि हर एक का बॉडी अलग रहते हैं पहली बात दूसरी बात क्या है कि आपकी लीवर की जो कैपेसिटी रहती है वो हर एक के अलग रहती है अगर आप लीवर की कैपेसिटी कम रहेगी तो आपके पेट में खाना ज़्यादा जाएगा नहीं तो मैं उस टाइप से गिफ्टेड हूँ कि लीवर का कैपेसिटी कम है तो लीवर को खाना कम लगेगा तो आपको जो खाना खाते हो तो खाने की प्रोसेस बता दो कैसे कि आप खाना खाते हो खाना आपका जाएगा लीवर में लीवर को जितना चाहिए उतना लीवर रख के मतलब ले लेगी रेस्ट आपको मसल में छोड़ देगी जो आप डाइट कर रहे हो उसके बाद क्या होगा कि अगर उसका जो फैट बढ़ता है लोगों को तो फैट इज नथिंग बट लाइक एडिपोस टिश्यूज जो मसल और स्किन के बीच में बढ़ता है तो क्या होता है कि अगर लीवर आप जो खाते हो उसका मसल बनेगा अगर फैट खा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए आपको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो ब्लड में जाएगा मसल प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हो तो उसका मसल बनेगा और कार्ब खा रहे हो तो उसका एनर्जी मिल जाएगा ठीक है अगर ये चीज़ें आप उसी हिसाब से खाओगे आपको मसल बढ़ाने तो प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ेगा ठीक है तो प्रोटीन से मसल बढ़ते जाएंगे लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा खाएंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे प्रोटीन बड़ा हो जाएंगे लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या खा रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कम ही खाता हूँ क्योंकि जाता ही नहीं मैं कितने बार ट्राई किया मैंने कि ज़्यादा खाना
खाऊं, लेकिन 250 ग्राम के ऊपर मैं चिकन एक टाइम पे नहीं खा सकता। हैरानी की बात है गाइस, देखो, और हम ये सोच के बैठे होते हैं कि संग्राम भाई हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, मिस्टर इंडिया हैं, इतनी बारी इतने रिफाइंड हैं, डिफाइंड बॉडी है, तो ये कम से कम भी एक बारी में 1 किलो चिकन निपटा देते होंगे, 1 किलो फिश खा लेते होंगे। मतलब ना एक परसेप्शन बनी हुई लोगों की कि अच्छी बॉडी है तो ये भाई दबा के खाता होगा। 1 किलो चिकन तो खाता हूँ दिन में, पूरे दिन में, लेकिन 250 ग्राम 4 बार खाता हूँ ना, जैसे 6 से 7 मील करने पड़ेंगे आपको। लेकिन ये सब चीज़ें मैं कॉम्पिटिशन टाइम पर करता हूँ, बाकी टाइम पर मुझे घूमना पड़ता है, तो जैसे एडजस्ट होता है कि आपका दिमाग का और आपके मसल का अगर कनेक्शन हो जाता जल्दी आराम अच्छे से, माइंड टू मसल कनेक्शन, तभी आपका बॉडी बनेगा। अब बॉडी से याद आया गाइस, जो आपका फेवरेट क्वेश्चन, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जो मैं संग्राम से ज़रूर पूछूंगा, तो भाई ये सबका फेवरेट क्वेश्चन मेरा, तो क्या मतलब मेरे से तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सवाल ज़रूर करूंगा, और मैं इसलिए सवाल करता सबसे करता हूं भाई, क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जनरेशन के लिए, क्योंकि आजकल क्या है, लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट है। जैसे आपने बोला आपकी मेहनत थी बचपन की, आपको पता नहीं, आप इनवेरिएबली फंक्शनल ट्रेनिंग करे जा रहे थे जिसका आपको रिजल्ट आज मिल रहा है। लोग सोचते हैं कि अब यार हमारा, आपको पता है लाइफ स्टाइल आज क्या हो गया, उससे ये हुआ है कि एक शॉर्टकट जिसको हम साइकिल्स कहते हैं, आप स्टेरॉइड्स कह लो, कुछ कह लो, आजकल जो यंगस्टर्स हैं सीधा उसकी तरफ, मतलब आपके पास भी आते होंगे ऐसे लड़के कि सप्लीमेंट की तो बात ही छोड़ दो, आप सीधा कहते हैं कि भाई मेरे को बॉडी बनानी है, आप मेरे एक साइकिल तैयार कर दो। आप मुझे बताओ भाई, आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की एक रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है, मुझे पता है, इट्स लाइक अभी ये तो बात ही गलत हो गई, मैं संग्राम भाई से ये बुलवाऊँ कि यार मैं नेचुरल नहीं हूँ, इट्स अ गिवन कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में हो ही नहीं सकता है। कोई मुझसे ये पूछता है कि क्या मैं प्रोफेशनली नेचुरल कम्पीट कर सकता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ भाई, अगर कोई लड़का प्रोफेशनली नेचुरली कम्पीट करना चाहे, क्या वो भाई वो जीत सकता है? हाँ जीत सकते हैं, जीत सकता है, लेकिन उसका डेडिकेशन इतना ज़्यादा चाहिए। जैसे कि देखिए, आप कुछ अलग चीज़ें जब लेते हो, जब बूस्टर्स आप लेते हो, ठीक है, आप नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करते हो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, और एक बूस्टर वाला स्पीड पेट्रोल यूज़ करते हो, क्या होता है कि परफॉर्मेंस में चेंज हो जाता है आपकी बॉडी के, है ना। जैसे आपका इंजन जो है, इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालते हो, सेम चीज़ ऐसी रहती है कि हम लोग कुछ जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जिन्हें प्रोफेशनली कुछ करना है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि मेडिसिन ही रहेगा, वो रॉइड्स ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपकी बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से मसल बनता है। लेकिन जो राइड्स का काम क्या है कि आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाए, जितना आप खाते हो उतना आपकी बॉडी ने एब्सॉर्ब करना चाहिए। तो ये चीज़ें, अगर आपका एपेटाइट अच्छा बढ़ जाएगा तो ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि फैट बर्नर्स रहते हैं, फैट बर्नर क्या करते हैं कि आपको फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, तो अगर ये चीज़ें आपको नहीं करने तभी भी आपका फैट कम हो जाता है। जैसे अगर किसी को नेचुरल करना है तो आजकल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, वहाँ पर आप कॉम्पीट कर सकते हो। भाई मैम आपकी बात मानता हूँ, नेचुरल कॉम्पिटिशन बहुत है, कहने के नेचुरल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कितने नेचुरल होते हैं। मेरे से जो ज़्यादातर सवाल करते हैं बच्चे कि मैं जाता हूँ स्टेज पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं नेचुरल हूँ, मैं देखता हूँ आगे के जो 10 लड़के खड़े हैं मुझसे 10 गुना ज़्यादा रिप्ड हैं, मुझसे 10 गुना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे डीमोटिवेट हो जाता हूँ, बराबर है। आप मुझे बताओ, उसने मुझसे आज ही सवाल करा है कि आप मुझे बताओ कि क्या मैं नेचुरली कम्पीट करके जीत सकता हूँ। तो मैं आपको अपना जवाब बता देता हूँ, जो मैंने उसको जवाब दिया, आप मुझे बताना आपको क्या लगता है। मैंने उसे कहा कि नेचुरली तो कम्पीट ज़रूर कर सकते हो, जीतना ना जीतना ये तुम्हारे जेनेटिक्स में, परफेक्ट, यही बोलना चाहता हूँ आपको। देखिए नेचुरली आप कंडीशनिंग अच्छा कर सकते हो खाने से, क्योंकि अगर आप, आपको मालूम है कि रॉइड्स अगर लेना है तो आप केजी में नहीं लेते हो, बहुत कम क्वांटिटी में लेते हो ना, जीएम ग्राम से लेते हो। यस, तो अगर आप खाना खाते हो अच्छा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे कि आपको 3 महीने अच्छे फॉर्म में देखेंगे, बाकी 8 महीने तो ऑफ सीजन, ऑफ सीजन रहेगा, मसल बढ़ाएंगे। आपका तो ऑफ सीजन रहता ही नहीं भाई। रहता है ऑफ सीजन, लेकिन मुझे थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, बाकी मेरे काम रहते हैं ना, शूट्स रहते हैं। तो वैसे कि अगर आपको नेचुरली कॉम्पीट करना है तो आपको वो बॉडी पकड़ के रखना पड़ेगा, तो वो मुश्किल होता है। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 3 महीने कॉम्पीट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, उस कॉम्पिटिशन के लिए इतना मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, सॉल्ट बंद करेगा, शुगर बंद करेगा, पानी बंद करेगा, वाटर बंद करेगा, लेकिन आपको टारगेट रखना है 2 साल का। तो आपको 2 साल जो आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हो, 2 साल आपको कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन 3 महीने का रहता है, उसको 2 साल करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो 2 साल कर सकता है तो 100% यकीन मिले। भाई ने बहुत गहरी बात कह दी गाइस, तो ये आप समझो इस बात का मतलब,
कि आप रॉयड्स के थ्रू 3 महीने में प्रेपरेशन कर सकते हो और कम्पीट करके जैसा जीत सकते हो. नेचुरली आपको वही फॉर्म 2 साल मेंटेन करनी है. तो अब ये शॉर्टकट ही एक तरीके का, सब 3 महीने कहाँ 24 महीने. अब ये आपकी कॉल है कि आप, और इस पर जेनेटिक्स भी आ जाएंगे आपके. जेनेटिक तो मैटर करता है. बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि जेनेटिक कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के लिए एटलीस्ट, हर स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लोग चाहिए 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 ही चाहिए. अब आपके 4 abs हैं, आपको 8 pack दूसरे देख के तो कैसे करेगा आप, इम्पॉसिबल है ही नहीं. तो आपको बॉडी कैसे कि हाँ, जैसे आप पैक के भी बोलते हैं कि 6 pack क्यों बोलते सब, कि मैक्सिमम जितने लोग हैं उन्हें 6 pack ही रहते हैं, 6 pack बोलते हैं. रॉनी कोलमन को 4 ही थे, आर्नोल्ड भी 4 थे, 4 थे. तो कैसे बहुत सारे लोगों को 10 भी रहते हैं. तो एज तो चेंज नहीं कर सकते ना. आपको डिफाइन ही करना है सिर्फ, और डिफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप फैट कट करते जाओगे. हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा कंट्रोल करना चालू करेंगे. लेकिन आप अगर आप चैंपियन बनना है आपको, तो आपको 1-2 साल के लिए सेम रखना पड़ेगा. तो और जैसे 2 साल बहुत लंबा हो जाता है भाई, तभी तो ना. तो इट्स टफ गेम. तो क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ करने से अच्छा, अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते हो, जैसे हम भी लास्ट मोमेंट पे अगर वाटर कट करेंगे तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, मसल कैच करेगा. लेकिन हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे कि 8 दिन से हम लोग कट कर रहे हैं, बॉर्डर कट कर रहे हैं, उस लेवल पे जैसे कि बॉडी को हम लोग चीट करते रहते हैं. कि जैसे अगर बॉडी को पानी देते जाएंगे अब, तो बॉडी पानी फेंकता रहेगा. तो लास्ट दिन पे क्या करना है आपको कि पानी बंद करना है, तो बॉडी को पता नहीं चलेगा, शॉक. हाँ, तो ये सब चीज़ें रहती हैं. सेम चीज़ ऐसी कि अगर आप डाइट, अगर आपको उतनी विल पावर है आपकी कि आप 2 साल तक होल्ड कर सकते हो सब चीज़ें, तो यू कैन डेफिनेटली बी अ गुड बॉडी बिल्डर गाइस. एनीथिंग. और गाइस, 2 साल एक जनरल नंबर है. किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है, किसी के लिए 5 साल भी हो सकता है, किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता. वो भी है राइट भाई, कि मतलब आप कितना मर्जी कोशिश कर लो आपके नहीं आ रहे. अब ये हो गई बात जूस की. भाई एक बात मुझे और बताओ ट्रेनिंग को लेकर. अब आपकी मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था. आप अब ये भी बात आपको सुनकर बड़ी हैरानगी लगेगी संग्राम भाई की, कि ये हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करते हैं. अब आपको ये लगेगा कि यार ठीक है, इनकी तो बॉडी बनी हुई है, ये है. मैंने यही पूछ रहा था. अब इनका मेरा ट्रैवल है. अब मेरे को ये टेंशन बनी होती है कि यार मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं हूँ, एक्सरसाइज ही नहीं करें. क्या टेंशन ले रहे हो, 3 हफ्ते में 3 दिन मिल रहा है, काफ़ी है. अब जेनेटिक्स है. मैं हफ्ते में 7 दिन भी रिग्रेसिव पुशअप कर लूँ या एग्रेसिव वर्कआउट कर लूँ, आई विल नेवर बी लाइक इट. क्यों? जेनेटिक्स, बचपन का खाया हुआ, बचपन के वो है. मुझे एक बात बताओ भाई, अब ये जो सारे लड़के हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि इनको हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए. गाइस, मैं पहली बात, मैं संग्राम भाई का ईमेल भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप इनका फेसबुक पेज पे भी जाइएगा, जो आपका क्वेश्चन हो संग्राम भाई खुद चेक करते हैं सब चीज़ें. आप जाइएगा, सवाल करिएगा. और ऑब्वियसली इनके जिम्स भी हैं भाई. किस नाम से जिम है? मेरा नाम फिजिक नाम से, PHYSC, SC स्टैंड फॉर संग्राम. हाँ, एंड PHY स्टैंड फॉर फिजिकल. फिजिक जिम है इनके. आप इनके 8 से 12 कितने जिम भाई? 8 जिम है पुणे में और नवी मुंबई में. आप किसी भी जिम में जाइए, भाई का नाम लीजिए, आपको पता ही है फिर. और इनके 70-80 ट्रेनर्स हैं इनके अंडर. आप ट्रेनिंग करिए. कोई भी गाइस, इस चैनल का मतलब ये है कि आपके जितने भी क्लैरिफिकेशन जो सवाल हैं आप पूछिए. अब आप जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी. अब ट्रेनिंग के लिए भाई कितने दिन काफ़ी हैं किसी के लिए? अब जब जेनेटिक्स की बात छोड़ के मुझे बताओ, जनरल थंब ऑफ रूल है कि आपको कितने दिन ट्रेनिंग करनी चाहिए टू बी अ कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर. एक दूसरा, स्पॉन्सरशिप के लिए भाई, कि अगर किसी को स्पॉन्सरशिप चाहिए, ऐसा क्या? अब ऑब्वियसली संग्राम चौगले जीता है कॉम्पिटिशन, तो उसको स्पॉन्सरशिप मिली है. लेकिन भाई कॉम्पिटिशन कई लोग जीते हैं इंडिया में. हर तीसरा नहीं, मिस्टर इंडिया, आपको भी पता है मुझे भी पता है, इंडिया में हर तीसरी फेडरेशन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, लेकिन सब संग्राम चौगले नहीं है. तो ए, संग्राम चौगले ऐसा क्या कर रहा है जो स्पॉन्सरशिप ले रहा है? दूसरा, ऐसा कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो संग्राम 12 महीने एक जैसे रहते हैं, कोई ऑफ सीजन नहीं, ऑन सीजन? देखिए सिंपल है कि मैंने मेरे बॉडी को आदत लगाई है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के करता हूँ 3 दिन, मुझे भी 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए. लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं, जो बिगिनर्स के लिए बोलता हूँ मैं, कॉम्पिटिटर लोग हैं वो तो 6 दिन करेंगे, 7 दिन भी करेंगे, करना ही पड़ता है. हफ्ते में दिन में 2 बार भी करते हैं? 2 बार भी करते हैं, कि डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट्स. अगर आपका टारगेट है, आपके पास दिन कम है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिफाइन करना है कुछ, तो आप चेंजेस होते रहते हैं. देयर इज़ नो थंब रूल कि आप 3 महीने का कोर्स करो आपका बॉडी इतना बन जाएगा, ऐसा कुछ साँचा बना के रखा नहीं है कि 3 महीने का सब उसमें डाल दो आप हर एक के लिए अलग बन जाएगा. तो 1-2 घंटा वर्कआउट करो, 1 घंटा कार्डियो करो, दिस इज कुछ भी नहीं है ऐसा. आपको सिंपल बात है, आपको रोज़ आपकी बॉडी चेक करनी पड़ेगी. एक डायरी मेंटेन करो, उसमें लिखते जाओ कि आज मैंने क्या खाया और कल मेरे बॉडी पे इफेक्ट क्या आया. अगर आप खुद को मॉनिटर करते रहते हो तो आपको पता चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो. सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिम में जब जाते हो तो जिम में विजिट करने के लिए मत जाओ. वर्कआउट अटेंड करना मतलब वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज करना मतलब वर्कआउट नहीं है.
आपको मसल को ट्रेन करना चाहिए। अगर आप ट्रेन करते हो मसल को एक घंटे में, तो देखिए अगर कोई सी भी चीज़ आप ट्रेन करते हो तो उसको रिजल्ट आनी आनी है। तो क्या कर रहे हैं बंदे, जिम में रेगुलर जा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि वर्कआउट क्या कर रहे हो। तो अगर वो उनको टेक्निक आ जाएगा कि कितना वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि 10 मिनट में मेरा बॉडी फिल हो जाता है, फुल हो जाता है पूरा, तो उसके बाद मैं कर नहीं पाता, तो बस मेरी बॉडी ने मुझे एक सिग्नल दे दिया कि भाई आज के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे बाइसेप में कर रहा हूँ, 2 सेट में मेरे बाइसेप पूरे पंप हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम पर आपको ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना है, ओवर ट्रेन अगर करोगे तो मसल आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर उसको ब्रेक करो, दूसरा मसल ट्रेन करो। वेरी गुड पॉइंट गाइस, आपने सोची नहीं होगी चीज़, आई थिंक दैट्स व्हाट डिफाइंस हिम, कि जहाँ आपको लगे कि आपका लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो गया है, जहाँ आपको लगे कि जैसे आप बाइसेप कर्ल मारते हो आपका दो, कईयों का अब कईयों का 10 सेट में होता है, कईयों का 2 सेट में होता है, अगर आपका लग रहा है 2 सेट में हो गया लेकिन आप फिर भी 10 सेट तक कर रहे हो, और भाई मेरे साथ भी कई बार हुआ संग्राम भाई कि मतलब दूसरे सेट या तीसरे सेट में ऐसे हो जाते हैं आर्म्स फटने वाले, लेकिन वो हमें लगता है कम है यार, कम है, ज़्यादा और कर लेते हैं, इसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं, और यहाँ ये गलती होती है। तो ये तो आपने बता दिया, अब बात करते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो स्पॉन्सरशिप को लेके जो आप लड़कों को बताओगे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। आप जेन्युइन हो, आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन ऐसा क्या भाई जो उन्हें भी करना चाहिए कि वो भी आपके जैसे बने। देखिए, एक मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं आई एम फॉलोइंग माई ड्रीम्स। मैंने एक टारगेट रखा है कि मुझे ये सब करना है, जैसे मैंने जिम खोले बिजनेस के लिए खोला है, लेकिन मैंने 15 साल में जो मेरे पास नॉलेज है मुझे वो देना है। तो अगर मैं जाके किधर भी बात करना चाहूँगा तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मेरे खुद के जिम है तो हर जिम में मैं हर महीने एक सेमिनार रखता हूँ, एक सब्जेक्ट लेके, जैसे कि व्हाट इज़ बीएमआर। जो जनरल पब्लिक है उनको कुछ मालूम नहीं है चीज़, मैं साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा बताता नहीं हूँ। ठीक है, क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या बताता हूँ कि जनरल जो लोग हैं उनके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिकल, बस प्रैक्टिकली क्या चाहिए। सी, उनको मालूम नहीं कि कार्ब क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, ये उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बस आपको उनको ट्रेन करना है कि आपको ये चीज़ें हैं, इसमें से ये मिलता है, लेकिन आपको इतना इतना खाना है। अगर आपको आप पूरा बताने जाएंगे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब है, सिंपल कार्ब है, ये सैचुरेटेड फैट है, ये पॉलीसैचुरेटेड फैट है, ये अनसैचुरेटेड फैट है, ये एक सब उनको मालूम नहीं है, ये सिर्फ हैमरिंग हो जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जनरल जो पब्लिक है उनके लिए मैं सेमिनार लेता हूँ, तो प्रोफेशनल के लिए लेता नहीं हूँ मैं।